रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा ने टीआरपी लिस्ट में तूफान मचा रखा है। इसे लेकर माना जा रहा है कि किंजल और परितोष से जुड़ा ड्रामा दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। अनुपमा में इन दिनों किंजल और परितोष के तलाक की बातें चल रही है। इसी बीच शो अनुपमा से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर भी सामने आई है। दरअसल रूपाली स्टारर अनुपमा को लेकर कहा जा रहा है कि जल्द ही इसमें टीवी के एक हैंडसम मुंडे की एंट्री होने वाली है, जो आगे चलकर निधि शाह के साथ कास्ट हो सकता है। एंटरटेनमेंट से भरपूर अनुपमा में एंट्री होने वाला यह हैंडसम मुंडा कोई और नहीं बल्कि जैन इमाम है, जो कि पहले भी नामकरण के जरिए स्टार प्लस का हिस्सा रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जैन इमाम जल्द ही अनुपमा में एंट्री कर सकते हैं और वह शो में निधि शाह के साथ अहम भूमिका निभाएंगे। जिस प्रकार वनराज से तलाक के बाद अनुपमा की जिंदगी में अनुज की एंट्री हुई थी, उसी तरह माना जा रहा है कि परितोष से तलाक के बाद किंजल की जिंदगी में भी कोई हैंडसम मुंडा एंट्री कर सकता है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना का टीवी शो अनुपमा इस सप्ताह भी दर्शकों को ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न से रूबरू कराएगा। दरअसल शो में दिखाया जाएगा कि परितोष पंडाल में से अपनी ही बेटी को किडनैप कर लेता है और वहां पर चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। तोसु के इस कदम के बाद किंजल उससे तलाक ले लेगी और अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करेगी। ऐसे में जैन इमाम की एंट्री से जुड़ी खबर ने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।